हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विधारी सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। आज जो प्रैक्टिस सेट लिया गया 2004 में जो दूसरा री एग्जाम हुआ था, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है, तो मानव के खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26, 28, 30 या फिर 31। तो यह संख्या कितनी हो जाएगी, यहां पे बताना है आप लोग को कितनी संख्या होती है टोटल, 26, 28, 30 या फिर 31। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। और जो 8 जो हड्डियां होती है मस्तिष्क के चारों ओर होती है, जबकि 14 हड्डियां जो होती है 14th ये चेहरे का कंकाल बनाती है, जबकि 6 जो होती है मध्य कर्ण में पाई जाती है। और कभी कभी अगर दे दिया जाता है हायड में कितनी हड्डियां होती, तो हायड में एक हड्डी होती, उसको मिलाकर 29 हो जाती। लेकिन मेनली आपको राइट आंसर मिल जाएगा 8 के साथ में रिलेट कर जाएगा, यानी कपाल में 8 होती है, अनाना में 14 होती है और कर्ण में 6 होती है और एक हायड में होती है। हायड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि हायड में कितनी हड्डियां होती है, तो वहां पे एक हो जाएगी। तो यहां पे राइट आंसर रिलेट कर जाएगा 28 के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता को क्या इनाम दिया जाता था? नगद धनराशि, सिक्के, टोपी, जैतून के पत्तों से बना मुकुट, क्या दिया जाता था? आंसर आप लोगों ने क्लिक कर दिया, जैतून के पत्तों से बना मुकुट दिया जाता है। डी ऑप्शन के साथ में उत्तर रिलेट कर जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आप लोग को बताना है ओलंपिक की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई थी, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? अद्वितीय बताना है, घुड़दौड़, बैलगाड़ी, चालन, धनुर्विद्या, सी ऑप्शन इसमें दिख नहीं रहा अभी, एक मिनट, धनुर्विद्या और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे जो उत्तर हो जाएगा क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन के साथ में क्लिक कर जाएगा। आप लोग अपनी स्कोरिंग करते रहिएगा, 40 क्वेश्चंस यहां पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे, 40 में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं। मानव शरीर में पानी की मात्रा होती, जो मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी हो, 60%, 65%, 70% या फिर 75%। तो मानव के शरीर में पानी की मात्रा जो हो जाएगी कितने परसेंट हो जाएगी, 70% हो जाएगी। और जो लोग भी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, 500 रुपीज का पेमेंट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं 9621819209 पर, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा पेमेंट करके आप लोग ये सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 10,000 क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, 20 प्रैक्टिस सेट एग्जाम के पहले और मॉक टेस्ट क्विज, आज सभी सुविधाएं आपको दी जाएंगी जो लोग भी नोट्स प्राप्त करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कान की हड्डी होती है, इसको क्या बोला जाता है? डी ऑप्शन हो जाएगा, स्टेपिज बोला जाता है, कान की हड्डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्रिकेट के किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? क्रिकेट के जितने भी कोच होंगे या फिर जितने लोग देखते हो, बहुत लोग 95% लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, जो कोचिंग देते होंगे, जो क्रिकेट के बच्चों को सिखाते होंगे, जो क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, तो उनको यह क्वेश्चन पता होगा, स्वैब अख्तर हो जाएगा रावलपिंडी एक्सप्रेस, सभी को आना चाहिए यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जबरदस्त क्वेश्चन है, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना लखनऊ में हुई थी, कब हुई थी ये बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है आंसर, 1931, 1932, 1933 या फिर 1934, ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या होगा, 7 नंबर का राइट आंसर जो चला जाएगा 91932 के साथ में रिलेट कर जाएगा, 9621819209 पर आप लोग कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज का पेमेंट करना है और बहुत जबरदस्त नोट्स आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। जिसने भी प्राप्त किए वो लोग रिवीजन अवश्य करते रहे, पढ़ते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 8 नंबर का, प्रथम एशियाई खेल समारोह 1951 का उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, कमाल पाशा द्वारा, इनमें से किसी के नहीं। तो राइट आंसर जो रिलेट कर जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ओलंपिक गीत की रचना किस देश के निवासी ने की थी? 9 नंबर, स्पेन, फ्रांस, ग्रीस या फिर रोम। तो यहां उत्तर क्या होगा, राइट, क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर,
स्कोरिंग करते रहिएगा, 40 में से आपके कितने राइट आंसर होते हैं। ओलंपिक गीत की रचना किस देश के निवासी ने की थी, तो ये राइट आंसर चला जाएगा आपका सी ऑप्शन के साथ में, सी उत्तर रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 2002 में आयोजित 14वें एशियाई खेलों में भारत ने कौन सा स्थान अर्जित किया, सातवां, आठवां, नवां या फिर दसवां। तो ये प्लेस जो अर्जित किया था ये सेवेंथ हो जाएगा, नहीं ए ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, सेवेंथ प्लेस हो जाएगा इसका सही उत्तर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, सभी को कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन। आप लोग देखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा, यह कथन किसका है, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। राइट आंसर होगा क्या, अरस्तु हो जाएंगे, और डी ऑप्शन में कुछ आपका दिया होगा, रूसो दिए हुए हैं, तो प्लेटो और अरस्तु में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो राइट आंसर यहां पे सी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा। भारत का प्रसिद्ध खेल मैदान वानखेड़े स्टेडियम, कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, 2011 का वर्ल्ड कप जो हुआ था वो भी यहीं पे हुआ था और इंडिया ने उसको जीता था, 2011 का वर्ल्ड कप। तो ये कहां पे है, गुजरात में है, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, तो वानखेड़े स्टेडियम महाराष्ट्र से रिलेट करेगा। 12 नंबर राइट आंसर सी ऑप्शन, बहुत अच्छे आप लोगों ने क्लिक कर दिया। 9621819209 पर कॉन्टेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज का आपको पेमेंट करना है और सारे नोट्स, और साथ में आप लोग पेड ग्रुप से ऐड हो जाएंगे। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, फ्रॉबल माने जाते हैं, थार्नडाइक माने जाते हैं, राधाकृष्णन माने जाते हैं, जॉन डीवी माने जाते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, अगर बात की जाए एस आर थ्योरी की, तो थार्नडाइक का नाम लिया जाता है। थार्नडाइक के तीन नियम बहुत पूछे जाते हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और एक नियम आप लोग को बताना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन उससे बनता है, शायद तत्परता का नियम आप लोग देंगे, यस तत्परता का नियम हो जाएगा। और मुख्य नियम तीन होते हैं, गौण नियम पांच होते हैं, गौण नियम पांच कौन कौन से होते हैं ये आप लोग बता दीजिएगा। सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन है, कौन सा विटामिन है जो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन 40 में से सही होने चाहिए, 30 प्लस। विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और विटामिन की वीडियो भी दी जा चुकी है, आप लोग उसको अवश्य एक बार देख लीजिएगा। अगर 4 से 5 नंबर आपके विटामिन से मिल जाते हैं, 5 × 20 यानी 5 × 4 = 20 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। घा आंसर यानी कि डी ऑप्शन विटामिन डी के साथ में रिलेट कर जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रासायनिक नाम तुरंत क्लिक करके बताइएगा आप लोग, रासायनिक नाम क्या होगा विटामिन डी का। लेप्रोसी होती है, लेप्रोसी किसमें होती है, वायरस के द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है, डी सी ऑप्शन दिया है प्रोटोजोआ के द्वारा, और डी दिया हुआ कोई नहीं, तो लेप्रोसी होती है, किससे रिलेट करेगा लेप्रोसी, वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, प्रोटोजोआ होगा या कोई नहीं होगा, इसमें राइट आंसर 15 का बैक्टीरिया हो जाएगा, बी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, बी उत्तर इसका राइट हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग के लिए है, बीसीजी का टीका जो है निम्न में से किस रोग की प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है, किसकी प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है, 4 ऑप्शन में से आपको क्लिक करके बता देना है एक आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन राइट आंसर बताइए आप लोग को। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, 1, 2, 3, 4 and 5 राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन खेल प्रबंधन है, खेल प्रबंधन क्या है, एक कला है, एक विज्ञान है, एक भी दोनों है, कोई नहीं है, राइट आंसर क्या होगा खेल प्रबंधन से। 17 नंबर का राइट आंसर बताना था आपका, सी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, जो भी नोट प्राप्त करना चाहता है वो नोट प्राप्त कर सकता है इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। प्राइस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज है, पेमेंट आपको फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा करके ये नोट मिल जाएंगे, और आप लोग को साथ में 500 में ही पेड ग्रुप से भी ऐड कर दिया जाएगा। वहां पे आप लोग को मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, क्विज और भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। 10,000 प्लस क्वेश्चंस आप लोग के रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, 18 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया है, जबरदस्त क्वेश्चन है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग के कमेंट्स आते रहते हैं व्हाट्सएप नंबर पे हमारे कि सर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बड़ा है, बस प्रैक्टिस सेट आप कंप्लीट होने दीजिए, और जिसको क्वेश्चंस का लेवल देखना है तो पार्ट नंबर 100 के बाद से लगा के पार्ट नंबर 158 तक आप लोग देखिएगा क्वेश्चन, अगर आपके सारे सही हो रहे हैं वहां पे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। 18 नंबर राइट आंसर 60% 70% 80% 90% प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है, तो पानी जो होता है ये होता है 90% हो जाता है, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हैमरेज का खतरा बढ़ जाता है, कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से मनुष्य में हैमरेज का खतरा बढ़ जाता है, बता दीजिए विटामिन बी होगा, विटामिन के होगा, विटामिन सी या फिर विटामिन ई हो जाएगा, बताइए जल्दी से। और जो लोग भी हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं वहां पर जो मॉक टेस्ट देते हैं उसमें आप लोग के क्वेश्चंस के नीचे आपको आंसर मिल जाता है, अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप एक रफ कॉपी बनाइएगा या फेयर कॉपी में जहां पे नोट्स तैयार करते हैं वहां पे तैयार करते जाइएगा। अगर एक दिन में हम 10 क्वेश्चन भी करा देते हैं तो आपका महीने में एक महीने में 300 क्वेश्चन हो जाएगा, तो धीरे धीरे ये क्वेश्चन आपके बढ़ते जाएंगे और एग्जाम के पहले इन क्वेश्चन की संख्या पढ़ जाएगी, एक दिन में 100 से 150-200 क्वेश्चंस भी आपको मिलने लगेंगे, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, तो मेहनत बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी आप लोग बनाए रखिएगा। किस विटामिन कमी से मनुष्य में हैमरेज का खतरा बढ़ जाता है, विटामिन आप लोग बताइए, यहां पे बी दिया है, के दिया, विटामिन सी दिया, विटामिन ई दिया हुआ है, विटामिन के हो जाएगा, क्या राइट आंसर यहां पे विटामिन के साथ में रिलेट कर जाएगा, के हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन में ये दिया हुआ है, बी उत्तर राइट हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम बताना है आपको, विटामिन बी का भी बताना है और विटामिन सी का, विटामिन ई आप लोग रासायनिक नाम कमेंट करके बताइएगा इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ओलंपिक झंडे के जो छल्ले होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, नदियां दर्शाते हैं, पहाड़ दर्शाते हैं, महाद्वीप दर्शाते हैं या फिर महासागर दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं बताइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्या महाद्वीप को दर्शाते हैं, तो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तीन महाद्वीप हमने बता दिए, दो महाद्वीप आप लोग को बताने हैं कौन से होते हैं, दो महाद्वीप जो उसमें 100 होते हैं, 5 होते हैं ना टोटल, तो उसमें से दो आपको कमेंट करके बताना है, एशिया अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, तीन हमने बताए हैं आपको, दो बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है और आसान सा क्वेश्चन, ईडन गार्डन कहां स्थित है, ईडन गार्डन स्टेडियम क्रिकेट से रिलेटेड बहुत से लोग हैं उनके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ईडन गार्डन आपका कहां रिलेट कर जाएगा, कोलकाता से हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, वानखेड़े आपका मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिल्ली में स्टेडियम आपका बहुत पूछा जाता है उसका क्वेश्चन अभी आप लोगों को, इससे रिलेटेड स्टेडियम कहां पर स्थित है वो भी दे दिया जाएगा, अरुण जेटली स्टेडियम जो दिल्ली का है वो बहुत पूछ लिया जाता है एग्जाम में, क्योंकि अभी नाम चेंज हुआ है उसका, फिरोज शाह कोटला का नाम चेंज करके अरुण जेटली जी के नाम पर किया गया है। 100 मीटर महिलाओं की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है, जो 100 मीटर की महिलाओं की बाधा दौड़ होती है बाधा की ऊंचाई कितनी होती है, 0.810 मीटर होती है, 0.840 मीटर होती है, 0.920 मीटर होती है, 0.990 मीटर होती है, 22 राइट आंसर क्लिक कर दीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा। 9621819209 व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसको भी नोट्स प्राप्त करना सिर्फ और सिर्फ ओनली 500 रुपीज का पेमेंट करके, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा पेमेंट करके आप लोग ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया होता है, हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया क्या होता है, कितना होता है, 6×5 मीटर यहां पे कर लीजिएगा आप लोग, यहां पे लास्ट में मीटर है, ठीक है, बी ऑप्शन है 5×5 मीटर, 5×3 मीटर, 5×2 मीटर, हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये राइट आंसर आप लोग बता दीजिएगा यहां पे, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो आपको ऑप्शन यहां पे क्लिक कर देना है ABCD में से, डी आप लोग का दिख नहीं रहा, इसमें 5×2 कर लीजिएगा, 5×2 दिया हुआ मीटर, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 5×3 के साथ में रिलेट कर जाएगा, 5×3 मीटर कर लीजिएगा, यूनिट में कंफ्यूज ना करिएगा आप लोग, कल के टेस्ट में हमने यूनिट चेंज की थी, आप लोग कंफ्यूज हो गए थे कुछ लोग, तो आप लोग सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी में ऑप्शन आप लोग क्लिक कर जाते हैं, क्वेश्चन देखिएगा उसके बाद आंसर क्लिक करिएगा, आपका राइट होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन कभी कभी ये होता है कि 4 नंबर से भी आप लोग पीछे रह जाते हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती बस जल्दबाजी में आपका नुकसान
हो जाता है। 24 सिली पॉइंट संबंधित है। ये किससे संबंधित है? सिली पॉइंट किससे रिलेट करता है? चेस से रिलेट करता है, गोल्फ से, क्रिकेट से या फिर हॉकी से। 24 ये हो जाएगा क्या? क्रिकेट हो जाएगा। सी ऑप्शन। 9621819209 व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज का पेमेंट करके। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 25, डूरेंट कप किससे संबंधित है? कुछ लोग बोलते हैं सर आप बहुत बीच में बोल देते हैं, तो आप लोग को ऑनलाइन क्लास से बेटर अगर ऑफलाइन में इतना कम बोला जा रहा है तो आपको क्लास में क्वेश्चंस का देखना है, क्वेश्चंस किस तरीके के कितने मिल रहे हैं। आपको पढ़ाई करनी है, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। जिसको नोट्स चाहिए होंगे वो कांटेक्ट करेगा, जिसको नोट्स नहीं चाहिए होगा आप पढ़ते रहिए, क्योंकि हम आपको फ्री ऑफ कास्ट भी यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप उसका लुफ्त लेते लीजिए, पढ़ते रहिए। आप एक गवर्नमेंट जॉब लीजिएगा, 55+1000 स्टार्टिंग होती है, हमने जो आपको बताया था 60,000 सैलरी, तो इस सैलरी के लिए आप पढ़ते रहिए। आपको पढ़ाने में कहीं पे कोई भी क्वेश्चंस आपके लिए, जो ये नहीं है कि आपको ये नहीं पढ़ाया जाए, क्वेश्चन जितने मिलेंगे सारे आपको दिए जाएंगे। डूरेंट कप किससे रिलेट करता है? हॉकी से, फुटबॉल से, गोल्फ से या फिर चेस से? बी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। 60,000 की नौकरी के लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, थोड़ा सा जागना पड़ेगा, थोड़ा सा किताबें पलटनी पड़ेंगी। टेबल टेनिस के टेबल की लंबाई व चौड़ाई होती है 2.54 मीटर × 1.525 मीटर, 2.74 मीटर × 1.525 मीटर, 2.60 मीटर × 1.525 मीटर। डी ऑप्शन दिया कोई नहीं। 26 राइट आंसर यहां पे क्या होगा? 2.74 मीटर × 1.525 मीटर हो जाएगा राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 27। आप लोग की जो भी क्वेरी हो 9621819209 व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग पंकज सर के सामने आप लोग अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। महिलाओं के लिए हैमर थ्रो में हैमर का वजन होता है कितना? वजन होता है 3 किलोग्राम होता है, 4 kg होता है, 5 kg होता है, इनमें से कोई नहीं होते। महिलाओं के लिए हैमर थ्रो में हैमर का वजन कितना हो जाएगा? 27 नंबर क्वेश्चन है, 4 kg हो जाएगा। यहां पे 4 kg के साथ में रिलेट कर दिया, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नीचे दिख रहा है आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसने भी क्लिक कर दिया 4 marks अपने ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है, 28 नंबर का क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दलों का नियंत्रण करने वाला निकाय कौन सा है? AAFI, और ये जो प्रैक्टिस सेट है 2004 का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, उसमें जो क्वेश्चन जो दोबारा एग्जाम हुआ था 2004 में, दो बार पहले एग्जाम हुआ था उसको रद्द करके दोबारा एग्जाम हुआ था, वो ये उसका प्रैक्टिस सेट है। AAFI, IOC, IOA, AICTE, 28 राइट आंसर क्या होगा यहां पे? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 29, लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? लचीलेपन से रिलेट कर जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पे उत्तर आप लोग बता दीजिएगा। वेलेस्टिक होगा, स्लो स्ट्रेचिंग हो जाएगा क्या? स्लो स्ट्रेचिंग तथा होल्डिंग होगा, या इनमें से कोई नहीं? 29 राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लो स्ट्रेचिंग और तथा होल्डिंग के साथ में रिलेट कर जाएगा। आप किसी भी स्टेट में रहते हो अगर फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको एक से बढ़कर एक वीडियो यहां पे देखने के लिए मिलेंगी। जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके के सभी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है, लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है, क्या उपयोगी है? गतिवर्धन दौड़ उपयोगी है, पोलियो मैट्रिक्स गति वाली दौड़ कोई नहीं यहां पे, कोई नहीं, इसको डी ऑप्शन में कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, क्या होगा? पोलियो मैट्रिक्स हो जाएगा, पोलियो मैट्रिक्स जो लिखा डी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया है 31, कोष्ठबद्धता का कारण है, क्या कारण है कोष्ठबद्धता का? 31 जो दिया हुआ है, बड़ी आंतों में निष्क्रियता, बहुत ज्यादा भोजन करना, पानी की कम मात्रा लेना, और डी ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी। तो 3 ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन आपको उपरोक्त सभी दिया हुआ है। कोष्ठबद्धता यानी कि कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या होता है? तो ये आंसर आप देखिए, पानी की कम मात्रा लेना हो जाएगा, क्या? सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। बहुत अच्छे आप लोगों ने क्लिक कर दिया है, सी उत्तर के साथ में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का मोटापा मापने का यंत्र है,
शरीर का मोटापा मापने के यंत्र कौन सा होगा? वीडियो पसंद रहा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कम से कम 5 दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। 32 का शरीर का मोटापा मापने के लिए स्किन फोल्ड मीटर के साथ में रिलेट कर जाएगा क्या? सी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। बाराबंकी स्टेडियम कहां स्थित है? कई बार ये क्वेश्चन कराए हैं, बाराबंकी स्टेडियम सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल बोर्ड की जमीन से ऊंचाई होती है, क्या होती है ऊंचाई? 2.50 मीटर, 2.75 मीटर, 3.50 मीटर या फिर 4 मीटर? बास्केटबॉल बोर्ड की जमीन से ऊंचाई 34 राइट आंसर, 2.75 मीटर के साथ में हो जाएगा सही ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 आ गया है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां स्थित है? अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय कहां है? स्विट्जरलैंड में है, स्वीडन में है, फ्रांस में या फिर चाइना यानी चीन में है? तो उत्तर क्या होगा यहां पे? ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय बता दीजिए, हाँ बताइए क्या होगा उत्तर, आप लोग क्लिक करिएगा इसको 35 में, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और थोड़ी सी आप लोग को सिर्फ थोड़ी मेहनत करनी होगी, आपका 40 से 50% पहले से ही तैयार है और आपको पहुंचना कहां पे है? 60 से 70%, क्योंकि जो कट ऑफ जाता है इसी के बीच में, 55 से 60 70 के बीच में ही रहता है कट ऑफ, इसलिए आप लोग को उस हिसाब से पढ़ाई करनी है। किसी भी टाइप का पेपर पूछा जाए, चाहे आसान हो, चाहे टफ हो, चाहे मॉडरेट हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाए और आप एक जो पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं सरकारी स्कूल में, वो पोस्ट प्राप्त हो जाए। आपको नॉलेज चाहे जितना हो, क्योंकि आपके नॉलेज की वहां पे अहमियत कम हो जाती है जहां पे आपकी नौकरी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि आपके पास पड़ोस, आपके घर वाले, आपके जानने वाले, आपके दोस्त आपको दूसरे नजरिए से देखते हैं, आपको वो वैल्यू नहीं दी जाती कि आप पढ़ने में कितने तेज हैं, आपने नौकरी पाई या नहीं पाई, यहां पे ये वैल्यू रखता है। प्रेजेंट टाइम का जो माहौल चल रहा वो आपको बता रहे, इसलिए आप लोग उस हिसाब से तैयारी करिएगा कि आप एक सरकारी नौकरी पाना चाह रहे तो उस नौकरी को प्राप्त कर सके। क्योंकि जो दूसरे लोग आपके लिए तैयार बैठे हुए हैं कि इनके लिए क्या बोलना है, तो आप उनको जवाब दे सके कि हम एक सरकारी मास्टर बन गए हैं, सरकारी पोस्ट प्राप्त कर लिए हैं और हमको इतनी मेहनत करनी है। अभी से आप लोग दिमाग में रखिएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, कीचड़ स्नान कहां स्थित है? 36 स्पार्टा, एथेंस, फ्रांस, लंदन? तो राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह बढ़ता है, मस्तिष्क की ओर, शरीर के निचले हिस्से की ओर, स्केलेटल मसल की ओर, उपरोक्त सभी की ओर? राइट आंसर 37 का क्या होगा यहां पे? क्या सी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा? इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके बताइएगा, यहां पे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो 37 को आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, सी ऑप्शन यहां पे वैसे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना हुई है, कहां हुई है आप लोग बताइए? 38 स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना भारत में हुई 1960, 1958, 1954 या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा उत्तर? 1954 के साथ में रिलेट कर जाएगा सी ऑप्शन, जिसमें क्लिक कर दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो किससे रिलेट करता है? हार्ट मसल के द्वारा, पल्स प्रेशर के द्वारा, धमनियों के सिकुड़न के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये रिलेट कर जाएगा हार्ट मसल के द्वारा हो जाएगा, ए ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपको इस पार्ट का दिया जा रहा है, 40 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 41 से 80 तक आपको दूसरे पार्ट में क्वेश्चन आज ही मिल जाएंगे। मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार होते हैं, कौन से प्रकार होते हैं? वॉलेंट्री एवं इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री एवं कार्डियक, इनवॉलेंट्री एवं कार्डियक, कार्डियक एवं वॉलेंट्री। 40 नंबर राइट आंसर, मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार, राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर का? बी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन, 2004 री एग्जाम जो हुआ था उसके क्वेश्चंस लिए गए हैं। और आपके कितने क्वेश्चन 40 में से सही होते हैं आप लोग अपनी स्कोरिंग करके 9621819209 पर भी बता सकते हैं। और साथ में जिसको भी नोट्स प्राप्त करना, जो भी नोट्स प्राप्त करना चाहता है वो नोट्स भी प्राप्त कर सकता है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज का पेमेंट करके, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चंस आपको एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और एमसीक्यू क्वेश्चन साथ में 20 प्रैक्टिस सेट और एमसीक्यू के साथ में मॉक टेस्ट एंड कुछ क्विज भी दिए जाएंगे। 13 क्विज पेड ग्रुप में कंप्लीट हो चुके हैं,
14 क्विज आप लोग को जल्द ही दे दिया जाएगा। और नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बस सही दिशा में पढ़ाई करिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिएगा, सबसे पहले प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा यूपी में टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।